माँ का सामान मिल गया जो मम्मी को चाहिए थे भाई। तो इधर देखो मम्मी अभी रेडी हो रही है भाई। मम्मी का भी देखो खूब, अगर पहले बोल दी होती तो पहले भी तो ये सामान ले लिए होते। तो भी आ चुके यहाँ पे राखी लेंगे। बोला था कि मम्मी की जाने को झगड़ा किससे करूंगा, किससे करेगा रे झगड़ा, उससे झगड़ा करना, उससे मार के उसके आगे का दांत तोड़ देना। फाइनली गाइस चलते हैं, ये मेरी मम्मी है। अच्छा, दौड़ते हुए आ रहे हैं कि ये बस आ गया है भीमपुरा के लिए, बट ये बता रहे कि ये समराजपुर के लिए ही आया हुआ है। फाइनली यार गाइस ये देखो मम्मी का ये बैग रहा और अभी जा रहे हैं मम्मी का ही। तेरी ममता से जो गहरा। तो ये गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज की इस ब्लॉग की शुरुआत शाम के 4:30 बजे हो रही है। तो फाइनली आप लोगों को मैं बता देता हूँ राखी की एडवांस में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो कल शाम को शायद राखी है और परसों जो फाइनल वाली राखी है वो परसों है। तो आज मेरी माता जी जो है ना, वो माता जी मेरी जा रही है मामा जी के घर, ड्यूटी मिला है मम्मी को, वो भी बस मार्केट तक छोड़ने के लिए। मेरे को छोड़ना था तो बस सड़क तक था ताकि ऑटो पकड़ा दूं और बस मम्मी चली जाए यहाँ से। बट एक बगल में एक घर है हमारे, तो उनके आज भोलेनाथ का एक पूजा था, शिव चर्चा नाम से जाना जाता है। तो उस पूजे की वजह से शाम की 4:30 बज चुके हैं, मम्मी अभी रेडी हो रही है। तो इसलिए मैं अब सोच रहा हूँ कि बाइक से छोड़ देता हूँ। तो इधर देखो मम्मी अभी रेडी हो रही है, तो मम्मी को छोड़ना है भाई साहब बाइक से, जो कि आपको पता ही होंगे मेरे पिछले ऑडियंस को कि मेरे पास बाइक वाइक घंटा नहीं है। बाइक मांगना पड़ता है अपने पड़ोसियों से, थोड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद मांगना पड़ता है। तो भाई सिचुएशन ऐसा है ना कि इस गरीबी में क्या ही कह सकते हैं, बाइक वाइक है नहीं। बस कृपा आप लोग करो कि हम भी बाइक लेने के काबिल हो जाए बहुत जल्द। ऐसे भी मेहनत किए जा रहे हैं और माता पिता का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता ही जाता है। तो अभी मेरी मम्मी फिलहाल के तैयार हो रही है। मैं नहीं सोच रहा था कि मम्मी को छोड़ दे भाई, जितना भी मैं काम करता हूँ ना आने जाने का, सब टोटली खर्चा मेरा होता है। जो जाने आने का जो पैसा वैसा लगता है ना, वो मेरा ही खर्चा होता है। अभी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कमाता हूँ तो मेरे पास पैसे नहीं है, बट यही दिक्कत है, पैसा मेरा खर्च होता है। बाइक से मैं छोड़ूंगा, मेरा फ्यूल का पैसा मेरा, ये वो सब लाना मकाना सब कुछ हमारा। मैंने सोचा चलो मम्मी है इसको छोड़ देते हैं। नहीं बो इतना लेट काहे कर रखो, ऐसे गर्म होते हैं भाई। पूजा में जाके ना, पूजा में भोलेनाथ की पूजा में जाके और प्रसाद लेके आई थी, मैंने प्रसाद भी खाया हुआ है और अभी जा रहा हूँ फिलहाल छोड़ने के लिए। फाइनली यार गाइस ये देखो मम्मी का ये बैग रहा और अभी जा रहे हैं मम्मी का, इसमें कुछ कपड़ा है। अभी पहले तो बाइक उधार लेना है, इसके बाद इस कपड़े को भाई बाइक पे रखना है और मम्मी को चलना है। ठीक है ठीक है भाई साहब, मम्मी जा रही है, हमको तो फिक्र ही नहीं है, मतलब मम्मी को फिक्र नहीं है हमारा कुछ भी नहीं। देखो आगे आगे भगी जा रही है, भगी जा रही है, हम बैग लेके जाए पीछे से और मम्मी का कोई टेंशन वेंशन नहीं है। गजब बेइज्जती है। हाँ इनको लग रहा है कि हम ले जाके भाई घर तक छोड़ेंगे मामा के, ऐसा नहीं है, बस मार्केट तक 5 किलोमीटर दूर ला के छोड़ देंगे, बाकी का इतना भयंकर वाला रोड है कि मेरे बस की बात ना है। फाइनली गाइस चलते हैं, ये मेरी मम्मी है। अच्छा तो क्या किया जाए, तो इसी बात पे लाइक कर दो। चलो यार लाइक कर दो बस। ये बोल रहा था ना गाइस, बोल रहा था कि मम्मी की जाने को झगड़ा किससे करूंगा, किससे करेगा झगड़ा, किससे करेगा, उससे झगड़ा करना, उससे मार के उसके आगे का दांत तोड़ देना, उसका आगे का दांत क्या करेगा, आगे वाला दांत तोड़ देना। पहुंच चुके ऑटो स्टैंड, यहाँ देख सकते हो ये सामने ऑटो स्टैंड है और अभी मम्मी बोल रही है एक राखी लेने के लिए। फाइनली हमारे दो मामा हैं, जो एक मामा घर पे नहीं रहते हैं वो जॉब करते हैं, उनके लिए तो राखी नहीं जा रहा है और एक मामा है उनके लिए राखी जा रहा है। जो सामने दिखाई दे रहा है ना ये वाला, यही वाला राखी लिए है भाई। पता है मम्मी को जाना है भीमपुरा नंबर 1, बलिया जिला के तरफ पड़ता है और बलिया जिला के लिए यहाँ पे जो है कि ऑटो स्टैंड पे जीप वगैरह जो लगती है ना वो लगी नहीं है, अभी वहाँ से चली नहीं है भीमपुरा नंबर 1 से। आ चुके हैं कपड़े वाले शॉप के अंदर, मम्मी को कुछ लेना था भाई, बोल रही थी कि जब तक गाड़ी नहीं आई तब तक कपड़ा वाला दुकान पे लेके चल कुछ लेना मेरे को। चलो शायद यहाँ पे मिल जाए, यहाँ पे देख लेते भैया क्या अस्तर मिल जाएगा, देख ले फिर। माँ का सामान मिल गया जो मम्मी को चाहिए थे भाई। भाई मम्मी का भी देखो खूब, अगर पहले बोल दी होती तो पहले भी तो ये सामान ले लिए होते, लेकिन कोई बात नहीं मिल गया। वैसे भी गाड़ी आई नहीं थी, अभी इंतजार करते हैं, देखते हैं गाड़ी आई है कि नहीं आई है। भाई यार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कोई बता रहा है कि 6 बजे बस आने वाला है, कोई बता रहा है कि 7 बजे बस आने वाला है। अगर ऐसा होगा तो मैं बाइक से भी छोड़ दूंगा भाई, मेरी बाइक यहाँ खड़ी है, बस फ्यूल डालो और लेके चल चलो। तो सही है,
बस आ गई, मम्मी बस आ गई, लो बस आ गई, बस आ गई। वो भैया भेमपुरा जाएगा, भेमपुरा भेमपुरा ना जाई। हाँ अरे ना ना जाई ना, भेमपुरा ना जाई ना, कैमरा ना जाई, हां कैमरा बस है तू ना जाई भाई, बस है बछईपुर ओ भाई ये बस तो पता है भाई आधे दूर ही जा रही है, आधा दूर से चली जाएगी दूसरे तरफ। भाई साहब यार गजब हो गया, हम दौड़ते हुए आ रहे हैं कि ये बस आ गया है भीमपुरा के लिए, बट ये बता रहे कि ये समराजपुर के लिए ही आया हुआ है। फाइनली यार बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद एक भीमपुरा के लिए एक ऑटो मिला है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद बता रहे हैं कि मतलब कैसे ना कैसे आपकी अम्मा को पहुंचा देंगे, वो भी पीछे वाले सीट पे। भाई भाई सब कैसे ना कैसे एडजस्ट कर दिए। चाचा जो 27 वाला नंबर आ रहा ना भीमपुरा उतर, तू हमको बस फोन कर दिया, उतर गई बड़े। चलो भाई अंकल जी तो भाई बोल दिए ठीक है, ऑटो निकल चुका है फाइनली, मम्मी चली गई। अभी जाकर दिल को सुकून मिल रहा है भाई, मम्मी के जाने के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन हो गए थे भाई, मम्मी पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, भाई मेरी मम्मी है ना भाई बहुत ज़्यादा टेंशन होता रहता है। और फाइनली ऑटो में बैठने के बाद हमको यहाँ तक उम्मीद है कि 50 मिनट लगते होंगे यहाँ से जाने में, तो 50 मिनट के बाद वो फ़ोन करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट अपने रवि भाई को फ़ोन करेंगे, भैया आ जाओ लेके जाओ फटाक से। चलो अभी फिलहाल के लिए चलते हैं अपना सीधा घर के लिए। भाई अपनी बाइक बहुत देर से खड़ी थी, हम तो यही सोच रहे थे अगर नहीं आएंगे ऑटो वाले सीधा बाइक से ले जाके पहुंचा देंगे। बहुत तगड़ी वाली भीड़ है, ये सब रक्षाबंधन के कारण भीड़ है आपको पता ही होंगे। अभी चलते हैं सीधा पेट्रोल पंप पे, यहाँ से सीधा लेंगे पेट्रोल और उसके बाद सीधा घर के लिए रवाना। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से। पेट्रोल हो चुका है और सामने से आ रहे थे भाई 4-5 पुलिस वाले थे, मैं तो एकदम डर गया, गाड़ी को उधर ही खड़ा कर दिया था, और अभी जस्ट पेट्रोल भरवा के भी जा रहे हैं बस घर के लिए सीधा सीधा। मेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं, आंखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। सभी आ चुके हैं अपने पापा के पास, पापा पूछ रहे हैं कि मम्मी कहाँ तक पहुँची है। अभी रात के 6:54 हो रहे हैं और अभी मैंने फ़ोन किया तो अभी जस्ट भीमपुरा तक पहुँच चुकी है मम्मी, और जो रवि भाई साहब थे वो भी, लो भाई लाइट चली गई, ये क्या भाई दिक्कत है। तो रवि भाई साहब को फ़ोन किए थे तो वो बोले कि बस पहुँच चुका हूँ मैं भी भीमपुरा, तो वहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं है 3 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ से अभी ढूंढ के और मिल जाएंगी तो फिर लेके जाएंगे, अभी थोड़ी देर में फ़ोन करेंगे। तो हाँ जी अभी फिलहाल सुबह के 4 बज रहे हैं, मतलब ये अगले दिन वीडियो शूट हो रही है सुबह के टाइम, रात को क्या है कि लाइट कट गई थी भाई जब 10 बज रहे थे तो उस टाइम सो गए, अभी फिलहाल के लिए अभी उठे हैं तो हाथ मुंह धो के अभी जस्ट आए हैं ब्लॉग एडिट करने के लिए। और हाँ मम्मी का कॉल किए थे ना उसी टाइम, तो शायद मम्मी पहुँच गई थी और लगभग यही 7-8 बजे करीब पहुंची हुई थी। तो चलिए आज की इस ब्लॉग को एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद है, पसंद है प्लीज लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, थैंक यू सो मच, बाय।